ये कहानी उन लोगों के लिए है जिन्हें रोमांस और पागलपन पसंद है। कुछ ऐसे मैजिक मोमेंट्स जो आपके दिल की धड़कन को तेज कर देंगे। कैरेक्टर्स की एक्टिंग और मूवी का साउंड ट्रैक लाजवाब है और एक्टर मारियो जिसने ह्यूगो का रोल निभाया है दिल को छू लेता है। थ्री स्टेप्स अबव हेवन स्पेनिश लैंग्वेज की मूवी है और इसकी IMDb रेटिंग है 6.9। मूवी की शुरुआत कोर्ट में चल रहे मुकदमे से होती है जहां पर ह्यूगो नाम के एक लड़के के ऊपर एक आदमी की नाक तोड़ने का केस चल रहा है और उस आदमी की नाक पर कई सारे स्टिचेस आए हुए हैं, लेकिन जज ह्यूगो को उसकी पहली गलती मानकर उस पर कुछ फाइन लगाने के बाद उसे छोड़ देती है। ह्यूगो के डैड और भाई उसे समझाते हैं कि इस बार तो वो बच गया, लेकिन अगली बार ऐसी गलती करने पर उसे सजा भी हो सकती है। ह्यूगो अपनी मॉम के बारे में पूछता है और उसके डैड बताते हैं कि वो किसी काम से आउट ऑफ सिटी गई है। ह्यूगो अपनी बाइक और फेवरेट जैकेट पहनकर तेजी से बाइक ड्राइव करके वहां से चला जाता है। ह्यूगो ने उस आदमी की नाक किस वजह से तोड़ी थी आपको आगे पता चल जाएगा। वहां दूसरी तरफ हम एक लड़की को तैयार होते हुए देखते हैं। पहले वो मॉइस्चराइजर लगाती है, फिर परफ्यूम, फिर स्कर्ट पहनती है और फिर शर्ट। बंदी स्कूल जाने के लिए तैयार। इस लड़की का नाम है बाबी और इसकी बेस्ट फ्रेंड है कटीना। दोनों कार में हैं और सिग्नल पर इनकी कार रुकी हुई है। वहाँ ह्यूगो भी होता है और वो बाबी को देख रहा होता है और उसका फेस देखकर वो उसे डॉग फेस कहकर चिढ़ाता है। ये सुनकर बाबी कार के विंडो से हट जाती है। ह्यूगो उसकी कार के पास आता है और उसका हाथ टच करता है। बाबी अपना हाथ हटा लेती है। ह्यूगो फिर से उसे डॉग फेस कहकर चिढ़ाता है। बाबी की कार चली जाती है और बाबी उसे मिडिल फिंगर दिखाती है। रात में बाबी अपनी फ्रेंड के यहाँ पार्टी में जाती है और वहाँ ह्यूगो अपने दोस्त पोलो के साथ है। वहाँ मारा नाम की एक लड़की है जिससे उसके बगल में खड़ी लड़की कहती है कि तुम ह्यूगो के साथ 3-4 बार इंटीमेट हुई हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें डेट कर रहा है। मारा को उस लड़की की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पोलो ह्यूगो से कहता है कि उसे 400 यूरो की जरूरत है क्योंकि उसकी बाइक रिपेयर होने गई है। ह्यूगो उन 400 डॉलर्स के लिए बैंड स्टैंड करने लगता है जिसमें चीनो उसे जबरदस्त टक्कर देता है। वहाँ बाबी पार्टी में है। वहाँ फाइनली ह्यूगो जीत जाता है और चीनो जो इतने साल से बैंड स्टैंड कॉम्पिटिशन जीतता आ रहा था अपनी हार से उसको काफी गुस्सा आता है। पोलो ह्यूगो से एक पार्टी में चलने को कहता है। ह्यूगो मारा से पार्टी में चलने के लिए पूछता है लेकिन मारा कहती है कि वो रिच बच्चों की पार्टी है। वहाँ बाबी पार्टी में बोर हो रही है और उसका एक्स बॉयफ्रेंड चीको आकर उससे कहता है कि क्या वो उसे कभी माफ कर सकती है, मतलब कुछ कांड किया होगा इस चीको ने जिसकी वजह से इनका ब्रेकअप हो गया, लेकिन बाबी मना कर देती है। चीको कहता है कि आज वो काफी ब्यूटीफुल लग रही है। वहाँ ह्यूगो का सारा ग्रुप उस पार्टी में आ जाता है और पोलो रूम में जाकर लड़कियों के पर्स से पैसे चुराने लगता है। तभी वहाँ कटीना आ जाती है और पोलो को लड़कियों का पर्स खोलने से मना करती है और कहती है कि पोलो ने उसके पर्स से उसके एक महीने की पॉकेट मनी निकाल ली है। ये सुनकर पोलो उसे लंच डेट के लिए इनवाइट करता है, लेकिन कटीना ये कहकर मना कर देती है कि वो ऐसी डेट पर नहीं जाती जहाँ उसे खुद पैसे देने पड़े। वो जाने लगती है और पोलो उससे पूछता है कि वो क्या छिपा रही है और वो उसके हाथ से टैम्पॉन ले लेता है और उस पर हंसता है और कहता है लंच छोड़ो, लंच के बाद जो होता है उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन कटीना को उसके फालतू जोक्स पसंद नहीं आते। वहाँ ह्यूगो को बाबी फिर से दिख जाती है और वो उसके पास आ जाता है और फिर से उसे डॉग फेस कहकर चिढ़ाता है, लेकिन इस बार बाबी उसके मुंह पर मिल्क शेक गिरा देती है। चीको बाबी का फेवर लेने आता है। ह्यूगो चीको को टेबल पर फेंक देता है और बाबी को लेकर भाग जाता है और स्विमिंग पूल में कूद जाता है। बाबी उस पर कंटिन्यूसली चिल्ला रही होती है और कहती है कि पानी बहुत ठंडा है। ह्यूगो कहता है ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए काफी अच्छा होता है। वो पूल से बाहर निकलती है। ह्यूगो कहता है तुम्हें मिल्क शेक ऑफर करना चाहिए, यूँ किसी के फेस पर नहीं फेंकना चाहिए। और फिर वो उसकी पैंटी के ब्रांड का नाम लेकर कहता है कि वैलेंटिनो से कहो कि ये ड्रेस तुम पर वेट ज्यादा अच्छी लग रही है। बाबी को रियलाइज होता है कि भीगने की वजह से उसके अंडर गारमेंट्स दिख रहे हैं। वो वापस पूल में कूद जाती है। वह चीको पुलिस को फोन कर देता है। ह्यूगो कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए टॉवल लेकर आऊं ताकि तुम्हें ठंड न लगे। बाबी उसे बाहर में जाने को कहती है। पोलो आकर ह्यूगो से कहता है कि यहां से भागो, पुलिस आने वाली है। ह्यूगो बाबी से कहता है मुझे याद रखना, अगली बार जब हम नहाएंगे तो तुम्हारा मुंह साबुन से साफ कर दूंगा। बाबी चीको के साथ कार में है और उसे पूछती है कि जब ह्यूगो ने उसे पूल में फेंका तो उसे बचाने क्यों नहीं आया। चीको बताता है कि वो सब एक सेटअप था और उसी ने उन लड़कों को वो सब करने के लिए इनवाइट किया था ताकि मैं तुम्हारे करीब रह सकूं। लेकिन तभी पीछे से ह्यूगो का गैंग आ जाता है और चीको की कार को तहस नहस करने लगता है। चीको अपनी कार की स्पीड
तेज करके धीरे कर देता है और एक लड़का बाइक से गिर जाता है। ये देखकर ह्यूगो को गुस्सा आ जाता है और वो चीको की कार को फॉलो करने लगता है और चीको को कार से उतारकर काफी मारता है और उसकी पोल खुल जाती है कि चीको ने कोई सेटअप नहीं किया था। वहां से गुजर रहे एक कपल को बाबी रोड पर दिखती है। वो उस कपल को जानती है और चीको की मदद करने को कहती है, लेकिन ह्यूगो उन अंकल की नाक तोड़ देता है। अंकल आंटी बाबी को साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन बाबी चीको की मदद करने लगती है और ह्यूगो पर चढ़ जाती है। मौके का फायदा उठाकर चीको बाबी को वहीं छोड़कर भाग जाता है। बाबी ह्यूगो से पूछती है कि वो अब घर कैसे जाएगी। वो ह्यूगो से उसे बाइक से घर छोड़ने को कहती है। ह्यूगो कहता है, लेकिन तुम्हें तो मैं जानवर लगता हूँ, मैं ऐसे इंसान को बाइक पर नहीं बैठाता जो मेरे बारे में ऐसे विचार रखता हो। बाबी एक कार को रोक कर लिफ्ट मांगती है और वो आदमी उसे उस टाइप की लड़की समझ कर पूछता है कहाँ जाना चाहोगी। ह्यूगो उस आदमी को वहाँ से भगा देता है और बाबी को अपनी बाइक पर बैठा कर उसके घर ड्रॉप करता है। वहाँ उसकी मॉम आ जाती है और पूछती है, क्या तुम इस बाइक से घर आई हो। ह्यूगो उन्हें बताता है कि इसके पास कोई चॉइस नहीं थी, जो लड़का इसे घर ड्रॉप करने आ रहा था वो इसे रास्ते में ही छोड़कर चला गया। पीछे से बाबी की बहन दानी आ जाती है और उनकी मॉम उन दोनों को डांटती है और कहती है कि उन्हें एक हफ्ते तक फोन नहीं मिलेगा। ह्यूगो बाबी से कहता है, तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह खड़ूस हो। दानी बाबी से पूछती है कि क्या तुम ह्यूगो को डेट कर रही हो। बाबी मना करती है और बताती है कि वो तो उसका नाम तक नहीं जानती। दानी कहती है इसका नाम ह्यूगो है, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसा घटा जिसकी वजह से उसे अपना नाम नहीं पसंद और वो खुद को एच कहलाना पसंद करता है और सब उसे हीरो कहते हैं। वहाँ ह्यूगो पोलो के साथ बाबी के स्कूल में आ जाता है क्योंकि पोलो को कटीना के साथ डेट पर जाना है। ह्यूगो को देखकर बाबी उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ह्यूगो कहता है कि उसका फ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया है और वो भी कहीं चल सकते हैं, लेकिन बाबी मना कर देती है और चली जाती है। अगले दिन बाबी और कटीना जॉगिंग कर रहे हैं और तभी एक लड़का बाबी को ताड़ने लगता है। बाबी कटीना से नाराज है कि वो उसे छोड़कर कल पोलो के साथ चली गई। कटीना कहती है कि वो बुरा लड़का नहीं है, उसका बचपन काफी मुश्किल भरा था और उसने मुझे आज रात होने वाली बाइक रेस में इनवाइट किया है। वो बाबी को भी साथ चलने को कहती है, लेकिन बाबी कहती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड और ह्यूगो से नहीं मिलना चाहती। कटीना कहती है, ठीक है फिर मुझसे भी मत मिलना, क्योंकि वो उसके साथ बाहर जा रही है। घर पर बाबी की मॉम कल के इंसिडेंट के बारे में पूछती है और कहती है, तुम्हें इस लड़के को आइडेंटिफाई करना होगा जिसने तुम्हारे अंकल की नाक तोड़ी है। उन्हें लगता है कि वो बाबी का फ्रेंड है, लेकिन बाबी कहती है उसे तो बस उसका निकनेम पता है और फिर वो उस लड़के का नाम अपनी मॉम को बता देती है। दानी इस बात से उससे नाराज हो जाती है और कहती है, तुमने खुद इस मामले में टांग घुसाई है। रात में कटीना की मॉम बाबी को फोन करके कटीना के बारे में पूछती है। बाबी झूठ कहती है कि वो उसके घर पर है और सो रही है। बाबी तैयार होकर कटीना के पास जाती है जो पोलो के साथ है और बताती है कि उसकी मॉम का फोन आया था। पीछे से ह्यूगो भी आ जाता है और पूछता है, क्या तुम मेरी रेस देखने आई हो। बाबी कहती है उसे पता भी नहीं है कि वो यहाँ है और वो ये भी बता देती है कि वो उसके खिलाफ कोर्ट में बयान देने वाली है कि उसी ने उसके अंकल की नाक तोड़ी थी। ये सुनकर पोलो बाबी को मारने आता है। ह्यूगो उसे संभालता है। पोलो कहता है, उसकी वजह से तुम्हें जेल हो सकती है। ह्यूगो कहता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि ये लड़की खुद ही मना कर देगी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बाबी कहती है, वो ऐसा क्यों करेगी। ह्यूगो कहता है, क्योंकि तुम मेरे लिए पागल हो और मुझे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। तभी रेस स्टार्ट हो जाती है। ह्यूगो बाबी से पूछता है कि क्या वो उसकी बाइक में बैठकर रेस का मजा लेना चाहेगी। बाबी मना कर देती है और तब मारा ह्यूगो की बाइक में बैठ जाती है। ह्यूगो बाबी से कहता है, डरना बंद कर दो, तब जिंदगी के मजे ले पाओगी। ये सुनकर बाबी रेस के लिए तैयार हो जाती है। ह्यूगो उसका स्कार्फ लेकर चला जाता है। चीनो बाबी को अपनी बाइक पर बैठाता है और रेस शुरू हो जाती है। इस दौरान बाबी काफी डरी हुई है और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। ह्यूगो बाबी को उसकी बाइक में बैठने को कहता है और उसे ले जाकर एक जगह छिपने को कहता है ताकि वो पुलिस को चकमा दे सके। ह्यूगो वापस आता है और देखता है कि बाबी बुरी तरह से मड में सनी हुई है। वो उसी तरह ह्यूगो की बाइक पर बैठने लगती है। ह्यूगो कहता है कि वो उसकी वजह से अपनी बाइक खराब नहीं कर सकता। वो उसे अपनी जैकेट पहनने को देता है। बाबी पीछे मुड़कर अपने कपड़े उतारने लगती है और ह्यूगो उसे अपनी बाइक के मिरर से देखने लगता है। फिर वो उसे घर ड्रॉप करता है और उसे किस करने के लिए उकसाता है। बाबी उसके टच से मदहोश हो जाती है और ह्यूगो उस पर हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें तो मैं जंगली लगता हूँ, तुम कैसे मुझे खुद को किस करने दे सकती हो। बाबी का मूड खराब हो जाता है और वो जाने लगती है। ह्यूगो बाबी से उसकी जैकेट वापस मांगता है। बाबी वहीं उसकी जैकेट उतार कर उस पर फेंक देती है और जाने लगती है। ह्यूगो कहता है कि गुड नाइट किस तो देती जाओ। बाबी कहती है, बाहर में जाओ। बाबी को पैंटी और ब्रा में देखकर उसकी बहन दानी कहती है, क्या ह्यूगो ने तुम्हारे सारे कपड़े फाड़ डाले। बाबी कहती है, वो नहाने जा रही है।
कटीना और दानी कहते हैं ये बाबी से कैसी बदबू आ रही है। दरअसल बाबी के ऊपर उस जगह छिपने की वजह से पॉटी लग गई थी। वापस आकर ह्यूगो मारा के साथ इंटीमेट होता है और उसके हाथों में वही स्कार्फ होता है जो उसने बाबी के गले से निकाला था जब वो रेस कर रहे थे। ह्यूगो बाबी के कमरे में घुस जाता है और जब बाबी कमरे में आती है तो देखती है कि उसका और ह्यूगो का पोस्टर उसके कमरे की छत पर चिपका हुआ है। बाबी हंसने लगती है। उसे कटीना का मैसेज आता है जिसमें वो उसे ह्यूगो का फोटो सेंड करती है और लिखती है कि वो उसका वेट कर रहा है। बाबी दानी से कहती है कि अगर मॉम डैड उससे पूछे तो बताना वो कटीना के घर पर पढ़ाई कर रही है। वो क्लब में पहुंच जाती है। वहां मारा ह्यूगो से कहती है कि जिस लड़के के चक्कर में तुम हो वो जल्दी से अपनी टांगे नहीं खोलने देगी। ह्यूगो उस पर हंसता है। बाबी वहां आ जाती है और ह्यूगो को देखकर उसे सेड्यूस करने के लिए डांस करने लगती है। ह्यूगो उसे देखकर हंसता है और उसके पास आकर डांस करने लगता है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। ह्यूगो का फ्रेंड सर्कल उन दोनों को साथ देखकर हंसने लगता है और मारा को जलन होने लगती है। बाबी जब घर पहुंचती है तो उसकी मॉम उसे पकड़ लेती है और उसे डांटने लगती है। रात में ह्यूगो बाबी को फोन करता है और कहता है मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। बाबी उसे कल स्कूल में मिलने को कहती है। ह्यूगो कहता है इतने सालों में पहली बार है जब मुझे नींद नहीं आएगी। सुबह ह्यूगो बाबी को स्कूल से लेने आता है और उसकी टीचर बाबी को बंक मारते हुए देख लेती है। वो दोनों बाइक से एक खूबसूरत बीच पर जाते हैं, पतंग उड़ाते हैं और फिर रोमांस करने लगते हैं। ह्यूगो बाबी की पैंटी के अंदर हाथ डालने लगता है लेकिन बाबी उसे रोक देती है। वो बीच पर एक रोमांटिक डेट का आनंद लेते हैं। ह्यूगो उसे अपनी मॉम के बारे में बताता है और हमें पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में जिस आदमी की नाक तोड़ने का केस ह्यूगो पर चल रहा था दरअसल उस आदमी का अफेयर ह्यूगो की मॉम के साथ था और ह्यूगो ने उस आदमी को अपनी मॉम के साथ इंटीमेट होते हुए देख लिया था और ह्यूगो ने उस आदमी को काफी पीला था और अपनी मॉम से उसके रिलेशन खराब हो गए थे और ये बात ह्यूगो ने ना तो अपने भाई और ना ही अपने डैड को बताई थी कि उसकी मॉम का अफेयर किसी दूसरे आदमी से था। बाबी उसे एक बीच हाउस दिखाती है जो सेल पर है और कहती है कि जब वो छोटी थी तब वो और उसकी बहन ऐसा प्रिटेंड करते थे जैसे वो उनका घर हो। ह्यूगो समझ जाता है बाबी को वो घर पसंद है। घर पहुंचकर बाबी दानी से अपनी लीव एप्लीकेशन पर उसकी मॉम के नकली साइन करवाती है। तभी उसकी मॉम एक लड़के के साथ उसके कमरे में आती है और ये वही लड़का था जो पार्क में बाबी को ताड़ रहा था। इस लड़के का नाम है गुस्तावो और गुस्तावो ने बाबी की मॉम को सेट कर लिया है। बाबी की मॉम बाबी से गुस्तावो के साथ हैंग आउट करने के लिए कहती है लेकिन बाबी कहती है कि वो कटीना के साथ मूवी जा रही है। गुस्तावो वहां से चला जाता है। बाबी ह्यूगो के साथ होती है और चीनो और मारा उन सबको मस्ती करता देख जेलस हो जाते हैं। मारा बाबी के पास आती है और उसे उसका स्कार्फ दिखाती है और कहती है कि कल रात ह्यूगो ने उसका स्कार्फ उसके हाथ बांधने के लिए यूज किए थे। बाबी को लगता है कि वो उसे जलाने की कोशिश कर रही है और कहती है मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, मुझे पता है तुम ह्यूगो के लिए पागल हो। ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे के बालों को पकड़कर लड़ने लगती हैं। तभी ह्यूगो वहां उन्हें लड़ता देख लेता है। बाबी मारा को काफी पेलती है। ह्यूगो उन दोनों को छुड़वाता है। बाबी ह्यूगो से कहती है कि मारा कह रही थी कि तुम उसके साथ इंटीमेट हुए थे। ये सुनकर ह्यूगो कहता है आज के बाद वो किसी और लड़के के साथ कुछ नहीं करेगा और कभी उसे धोखा नहीं देगा। मुझे अब ऐसी लड़की मिल गई है जो उन लोगों को पेलती है जो उसके बॉयफ्रेंड की इंसल्ट करते हैं। फिर वो कहता है कि तुम्हें पता है जब कोई लड़ाई जीत जाता है तो वो क्या करता है। फिर वो उसे टैटू बनवाने ले जाता है और अपने नाम के पहले लेटर का टैटू उसकी वेस्ट पर गुदवाता है। जब ह्यूगो घर पहुंचता है तो उसे वहां बाबी के डैड मिलते हैं। दरअसल वो ह्यूगो को अपनी बेटी से दूर रहने की बात करने आए हैं। ह्यूगो उन्हें अपने साथ बार ले जाता है और वहां की बारटेंडर उनके साथ फ्लर्ट करने लगती है। ह्यूगो समझ जाता है कि वो क्या बोलना चाहते हैं और कहता है मैं आपकी चिंता समझ सकता हूं कि आपकी बेटी एक ऐसे लड़के के साथ है जो बाइक राइडर है लेकिन मैं उसके साथ काफी इजी हो जाता हूं। उसने मुझे एक अलग इंसान बना दिया है। ह्यूगो की फीलिंग्स जानकर बाबी के डैड के दिल को सुकून मिलता है। स्कूल में बाबी टीचर को उस दिन की लीव के लिए एप्लीकेशन सबमिट करती है और टीचर पूछती है कि क्या ये तुम्हारी मॉम के साइन है। बाबी कहती है हाँ। टीचर कहती है लेकिन तुम्हारी मॉम को तो पता ही नहीं था कि तुम उस दिन बीमार थी और स्कूल नहीं आई थी, मैंने उनसे फोन करके पूछा था। टीचर उसे स्कूल से निकालने की धमकी देती है। बाबी की मॉम स्कूल आती है और बाबी को बताती है कि उसको एक्सपल होने से बचाने के लिए उन्हें 8,000 यूरो की रिश्वत देनी पड़ी। बाबी की मॉम बाबी का उसके दोस्तों से मिलना बंद कर देती है। ह्यूगो बाबी को फोन करता है और बाबी उसे बताती है कि टीचर उसे स्कूल से निकालने वाली थी और उसकी मॉम ने स्कूल को रिश्वत दी है ताकि स्कूल से ना निकाले और वो शायद उसके ग्रेड्स भी कम कर देगी और वो कॉलेज नहीं जा पाएगी। ह्यूगो खिड़की से उसके कमरे में आ जाता है और उसे स्विमिंग पूल लेकर आता है जहाँ कटीना और पोलो पहले से मौजूद है। वो सब साथ में स्विमिंग करने लगते हैं और कटीना बताती है कि पोलो ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है। सब काफी खुश होते हैं। ह्यूगो बाबी के साथ रोमांटिक होने लगता है। बाबी कहती है वो नर्वस है क्योंकि वो पहली बार किसी के साथ ये सब कर रही है। ह्यूगो कहता है मैं भी। बाबी उसे कहती है भक लायर। फिर वो दोनों अंडरवाटर रोमांस करते हैं। अगले दिन ह्यूगो बाबी की टीचर के पास आता है और बाबी के साथ अच्छे से बिहेव करने की धमकी देता है और कहता है अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसके डॉग पपीतो को नहीं छोड़ेंगे। दरअसल ह्यूगो ने टीचर के डॉग का किडनैप कर लिया है।
बाबी अपने डैड के पास आती है और कहती है उसे अपनी फ्रेंड के पास जाना है। डैड उसे परमिशन दे देते हैं और खिड़की से देखते हैं कि बाबी ह्यूगो के साथ है, लेकिन उन्हें साथ देखकर वो खुश होते हैं। ह्यूगो बाबी की आंखों को ब्लाइंडफोल्ड करता है और उसे उसी बीच हाउस में लेकर आता है जिसका जिक्र पहले बाबी ने किया था, और उस घर का व्यू काफी ब्यूटीफुल होता है। वो दोनों इस घर में ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड करते हैं। ह्यूगो बाबी से पूछता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं वो पहला लड़का बनूं जो तुम्हारे साथ इंटीमेट होगा। बाबी कहती है पहला और आखिरी। ये सुनकर ह्यूगो हंसता है। बाबी कहती है हंसो मत। फिर वो दोनों किस करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। ह्यूगो उसे आई लव यू कहता है और कहता है कि वो बहुत खुश है। बाबी पूछती है कितना। ह्यूगो जवाब देता है 3 meters अबव द स्काई। सुबह ह्यूगो जब उठता है तो बाबी को बगल में ना पाकर डर जाता है और उसे ढूंढने लगता है, और बाबी उसे बीच पर दिख जाती है। वो वापस चले जाते हैं। ह्यूगो पोलो और पपीतों के साथ बाबी के घर आता है क्योंकि बाबी के पेरेंट्स घर पर नहीं है। बाबी एक बच्चे की बेबी सिटिंग कर रही है। ह्यूगो को वो अपने कमरे में ले जाती है और पोलो को बच्चे की बेबी सिटिंग करने को कहती है। अंदर जाकर वो अपने कपड़े उतारने लगती है और ह्यूगो के साथ रोमांस करने लगती है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें आती है और वो बाहर जाकर देखती है तो पोलो ने अपने सारे गैंग को इन्वाइट किया होता है और घर की हालत काफी खराब हो जाती है। बाबी ह्यूगो के साथ उन सबको घर से निकाल देती है। ह्यूगो कहता है कि उसकी गलती नहीं है, लेकिन बाबी उसकी बात नहीं सुनती। ह्यूगो बाबी को फोन करता है लेकिन वो फोन नहीं उठाती। उन दोनों के बीच बातचीत बंद हो जाती है। बाबी को मनाने के लिए ह्यूगो बीच सड़क की एक वॉल के ऊपर यू एंड आई 3 meters अबव द स्काई लिखता है। वो देखकर बाबी स्माइल करती है। ह्यूगो कटीना की मदद से बाबी के लिए डिनर तैयार करता है और उसे फोन करता है, लेकिन बाबी बताती है कि उसकी मॉम की अंगूठी उसके किसी गैंग के मेंबर ने चोरी कर ली है और वो उसके पास नहीं आ सकती। ये सुनकर ह्यूगो को काफी गुस्सा आ जाता है और वो चीनो के पास आता है और उससे बाबी की मॉम की रिंग मांगता है। उन दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है। ह्यूगो चीनो को काफी मारता है। मारा ह्यूगो के पास आती है और कहती है रिंग उसके पास है। ह्यूगो उससे रिंग लेकर बाबी के पास आता है और उसे रिंग दे देता है। ह्यूगो के फेस पर काफी ब्लड लगा होता है। बाबी उसकी चोट को साफ करती है और रोती है। ह्यूगो पूछता है तुम रो क्यों रही हो। अगले दिन कोर्ट में उन्हीं अंकल के केस की सुनवाई होती है जिसकी नाक ह्यूगो ने तोड़ी थी। बाबी को सब कुछ बताने के लिए कहा जाता है, लेकिन बाबी साफ पलट जाती है कि उसने उस दिन कुछ नहीं देखा। उसकी मॉम इस वजह से नाराज हो जाती है। बाबी अपनी मॉम से कहती है कि ह्यूगो उसका बॉयफ्रेंड है और वो उसके साथ जा रही है। बाबी ह्यूगो से कहती है कि अब वो और उसके लिए झूठ नहीं बोल सकती। ह्यूगो कहता है कि अब वो उसे शिकायत का मौका नहीं देगा। बाबी और कटीना अच्छे ग्रेड से पास हो जाते हैं। ह्यूगो टीचर का डॉग उन्हें लौटा देता है। बाबी टीचर को थैंक्स कहने आती है और जब वो पपीतो को टीचर के पास देखती है तो समझ जाती है कि उसे ह्यूगो की वजह से पास किया गया है। वहाँ ह्यूगो और पोलो अपनी अपनी गर्लफ्रेंड की तारीफ कर रहे होते हैं कि वो दोनों काफी लकी हैं जो उन्हें इतनी केयरिंग गर्लफ्रेंड्स मिली। और कल पोलो बाइक रेस करने और जीतने की बात करता है ताकि कटीना के लिए कुछ कर सके। बाबी ह्यूगो के पास आती है और उन दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है। बाबी कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे टीचर को ब्लैकमेल करने की। उन दोनों में फिर से बातचीत बंद हो जाती है। बाबी अपने पेरेंट्स के साथ एक पार्टी में जाती है। वो काफी सैड है और ह्यूगो को मिस कर रही है। ह्यूगो भी काफी सैड होता है और फिर वो उसी पार्टी में आ जाता है जहाँ बाबी होती है। बाबी उसे देखकर काफी खुश होती है और वो दोनों साथ में डांस करते हैं, लेकिन गुस्तावो की जलने लगती है और वो गुस्से में बाबी की ड्रेस पर ड्रिंक गिरा देता है और अपने हाथों से उसकी ड्रेस साफ करने लगता है। उसे बाबी को टच करता देख ह्यूगो को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्तावो को पीटने लगता है। ये सब देख बाबी ह्यूगो पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि गुस्तावो ने ये सब जानबूझकर नहीं किया। वो ह्यूगो को वहाँ से जाने को कहती है और कहती है तुम कभी नहीं बदल सकते। वहाँ पोलो और कटीना बाइक रेसिंग कर रहे हैं। तभी दानी को फोन आता है कि पोलो और कटीना का एक्सीडेंट हो गया है। बाबी ह्यूगो के साथ उसी जगह आती है जहाँ सब रेसिंग कर रहे थे। कटीना काफी इंजर्ड होती है और वो ह्यूगो से पोलो का पता लगाने को कहती है। ह्यूगो जाकर देखता है तो पोलो मर चुका है। ह्यूगो बहुत बुरी तरह रोने लगता है और कटीना तो टूट ही जाती है। बाबी ह्यूगो को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन ह्यूगो अपने बेस्ट फ्रेंड की मौत से पगला जाता है। वो सब देखकर बाबी वहां से जाने लगती है। ह्यूगो उसके पास आता है, लेकिन बाबी पोलो की मौत का जिम्मेदार ह्यूगो को मानती है। ह्यूगो बाबी को थप्पड़ मार देता है। बाबी वहां से चली जाती है। ह्यूगो पागलों की तरह चिल्लाने और रोने लगता है। उस नाजुक मौके पर बाबी ह्यूगो को अकेला छोड़कर चली गई। ह्यूगो काफी अपसेट है। कई दिन बीत जाते हैं। दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। बाबी गुस्तावो को डेट करना शुरू कर देती है। कटीना ह्यूगो के पास आती है और उसे पोलो और उसका फोटो फ्रेम गिफ्ट करती है और ह्यूगो को पता चलता है कि बाबी ने कटीना के साथ भी फ्रेंडशिप खत्म कर ली है और वो बताती है कि बाबी किसी लड़की को डेट कर रही है। वो ह्यूगो से बाबी को भूल कर मूव ऑन करने को कहती है। ह्यूगो बाबी के घर फोन करता है, लेकिन फोन बाबी की मॉम उठाती है। बाबी गुस्तावो के साथ डिनर डेट के लिए घर से निकलती है और ह्यूगो उसे देख लेता है और बाबी भी उसे किसी और के साथ देख ह्यूगो वहीं बैठकर रोने लगता है। ह्यूगो अपने घर के बाहर बैठा होता है और उसका भाई वहां आता है।
ह्यूगो अपने भाई से लिपटकर काफी रोता है। ह्यूगो अपने भाई से लंदन जाकर काम करने की बात करता और है और उसी बीच हाउस को देखता है जहां वो बाबी के साथ पहली बार इंटीमेट हुआ था। फिर वो बीच पर दो बच्चों को देखता है और स्माइल करता है, जिसका मतलब है कि अब ह्यूगो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा है। वहाँ बाबी गुस्तावो के साथ रोमांस कर रही है। गुस्तावो उसकी पैंटी के अंदर हाथ डालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका हाथ हटा लेती है और उसकी कमर पर हम ह्यूगो के नाम का टैटू देखते हैं और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। ह्यूगो अपने भाई के साथ बाइक में है और उसकी वॉइस ओवर से वो बोलता है कि कुछ चीजें लाइफ में बस आप एक ही बार फील करते हो और हम कितनी भी कोशिश कर लें दोबारा वैसा फील नहीं कर सकते कि आप बस आसमान से 3 मीटर ऊपर हैं। सो दोस्तों, ये मूवी काफी बढ़िया थी। मैं तो इमोशनल हो गई। बाबी ने तो बहुत गलत किया ह्यूगो के साथ। इतनी शिद्दत से प्यार करने वाले इंसान को उस लड़की ने इतनी आसानी से जाने दिया। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि बाबी ने एक खुले सांड को प्यार करना और अपने गुस्से पर काबू करना और जिंदगी सलीके से जीना सिखा दिया था। और एक फीलिंग शेयर करना चाहूंगी कि जब इंसान किसी के बेहद करीब होता है और वो मर जाता है तो हम दुखी होते हैं, रोते हैं, लेकिन जिंदगी नहीं रुकती और हम भी जिंदगी के साथ चलते रहते हैं। इसी संदेश के साथ आज की मूवी मैं यही समाप्त करना चाहूंगी। आपको अगर आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और ह्यूगो लंदन से जब लौट के आएगा तो वो क्या अपने प्यार को वापस पाने की कोशिश करेगा? अगर आप इस मूवी के दूसरे पार्ट का एक्सप्लेनेशन मुझसे सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। टाटा।